बताती हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के ब्लॉक कुठौन में, कुठौन ग्राम पंचायत में। अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाना जाता है विकास। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं समूचे उत्तर प्रदेश में। तो अब आइए हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के ब्लॉक कुठौन में, एक विकास आपको विकास दिखाते हैं। ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के कुठौन ब्लॉक का विकास। किस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सड़क है लेकिन सड़क दिखाई नहीं दे रही है, सड़क की जगह तालाब बने हुए हैं। किसी भी साइड में कोई नाला दिखाई नहीं दे रहा है। हर बार बरसात होती है यहाँ पर सड़क भर जाती है, सड़क और तालाब में कोई अंतर समझ में नहीं आता है। कई बार यहाँ पर हादसे होते रहते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पानी भर रखा है यहाँ पर, तो लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है, जिससे कई बार गाड़ियां पलट जाती हैं, लोगों की मौत हो जाती है, हादसे हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन अपनी नींद से नहीं जाग रहा है। इसी तरीके से अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ से दूर दूर तक कितने बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इसी सड़क से कई मंत्री यहाँ से निकल के जाते हैं, विधायक जी भी जाते हैं, हमारे जिलाधिकारी भी जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ का ये विकास दिखाई नहीं देता है। क्योंकि वो लोग तो 40-40 लाख की गाड़ियों में जाते हैं, तो उन्हें यहाँ के गड्ढे समझ में नहीं आते हैं। लेकिन अगर हादसा होता है, जाम लगता है, तो परेशानी लोकल के यहाँ के गरीब लोगों को होती है। उनकी जान की फिक्र किसी भी नेता, किसी भी पार्टी, किसी भी अधिकारी को नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर हर साल हालात बने रहते हैं। आइए यहाँ पर हम कुछ यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके की ये समस्या है, क्या आपने इससे किसी अधिकारी से इस बारे में बात की या नहीं की है। चाचा जी, कब से यहाँ पर ये समस्या है? ये समस्या लगभग जो है 3 साल हो गए जब से ये रोड बना है जी। नाला तो कभी बना ही नहीं है, बनता है किताबों में, किताबों में बनता है, कभी इसमें जो है धरातल पे नहीं बना है। यहाँ का बनना हुआ नाला आगे पहुँचा और यहाँ से लेके वहाँ तक है और बना उसके आगे है। क्या कि ये मोहल्ला जो है हरजन मोहल्ला है और हरजन मोहल्ला का विकास न हो के आगे कुछ जो है अन्य विशेष सरकार के नुमाइंदे जिसे कहें उनके यहाँ ये बन गया है, जहाँ कोई आवश्यकता नहीं नाले की, यहाँ पूर्ण रूप से आवश्यकता है। कम से कम यहाँ 300 बकरी का पानी आता है और हमेशा रोड पे ही आता है, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, कर्मचारी सब उसी से होकर गुजरते हैं। ठीक है, अगर नाला बन जाए तो रोड भी सुरक्षित रहे, नाला बनता नहीं है रोड पर। यहाँ भी लोगों का कहना है कि इन्हें इस चीज का खामियाजा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हरजन बस्ती है इस वजह से इन्हें इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई बार इन लोगों ने शिकायतें की हैं लेकिन हरजन होने के कारण इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा निवेदन है यहाँ के सांसद जी से, यहाँ के विधायक जी से, यहाँ के जिलाधिकारी से, कृपया गाड़ियों से बाहर निकलकर धरातल पर आकर देखें कि कहाँ विकास हुआ।